इसके अंदर क्या गिवन है कि एक ना नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है, देखो ये ग्लास ट्यूब है, ये सीधी है, फिर मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, सीधी है, अंदर हवा है, एयर है, इसके अंदर हवा है, और ये मरकरी है। मरकरी की लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है, हवा की लेंथ यहां पर 45 हो गई जब ये उल्टा कर दिया ट्यूब को, जब सीधा रखा है तो ये हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। यहां पे लगेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर जो दबाएगा इसे, जब ये मरकरी नीचे जाएगी एयर कंप्रेस होगी तो प्रेशर ऊपर लगाएगी, तो P1 प्रेशर, जो P1 प्रेशर है उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, ऊपर। एटमोस्फेरिक प्रेशर कहां होगा, नीचे। मरकरी का वेट का फोर्स या प्रेशर भी कहां होगा, नीचे। अब इक्विलिब्रियम में गिवन है, अगर इक्विलिब्रियम में गिवन है तो नीचे का प्रेशर P+15 इज इक्वल टू P1। आप हो गए, प्रेशर में 15 सेंटीमीटर कैसे ऐड कर दिया, एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी से एच रो जी, रो जी काट दिया तो एच बच गया। तो पहली क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां से P1 की वैल्यू आ गई। अब उसी तरीके से जब आपने ट्यूब को उल्टा किया तो ये हवा का प्रेशर P2 कहां एक्ट करेगा, नीचे। वेट भी कहां एक्ट करेगा, मरकरी का, नीचे, नीचे, इसका प्रेशर नीचे। लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर कहां एक्ट करेगा, ऊपर। तो नीचे प्लस नीचे इज इक्वल टू ऊपर, तो P2 की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ गई, P-15। अब सारी गेम एयर के ऊपर है, एयर अगर ये मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो वॉल्यूम एयर का कितना है, V1, V1 30 × a, और यहां पर वॉल्यूम एयर का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एयर का क्या हो जाएगा, 45 × a। ठीक है यहां तक? तो क्योंकि एयर के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो P1 × volume इज P2 × volume, P1 V1 P2 V2 टेम्परेचर तो सेम है, तो P1 की जगह ये पुट कर दें, ये देखो किया हुआ है मैं आगे बुकलेट में, P1 की जगह पुट कर दें, P2 की जगह पुट कर दें, वॉल्यूम की जगह, वॉल्यूम की जगह सॉल्व करके P की वैल्यू आ जाएगी। आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालना है, इस केस में क्या होगा, आपको आइडिया बता रहा हूं कि एयर के अंदर एक ही चीज लगेगी, P1 V1 इज P2 V2। P1 आपको इक्विलिब्रियम से निकालना है, P2 आपको इक्विलिब्रियम से निकालना है और वैल्यू को पुट करना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इसमें लॉजिक क्या लगता है मरकरी वाले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है 2 बार, है ना, नीट में मुझे पता नहीं, मेंस में आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ, टेक्निक बता देता हूँ, वैसे इसका आंसर याद कर लेंगे, 2 बार आया हुआ है, तीसरी बार आ जाओ कम से पता दो क्या करना है, और अगर मेथड आ जाए तो मेथड बता देते हैं इसमें करना क्या है। देखो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर वो कह रहे हैं जी एक लिक्विड है, ये ट्यूब है, हमने यू शेप ट्यूब में क्वेश्चन किया हुआ है, एच रो जी लेफ्ट पे, एच रो जी राइट पे, इनकी वैल्यू क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम रहती है। तो इसके अंदर ये ट्यूब है, ट्यूब के अंदर लिक्विड है, ट्यूब का जो लिक्विड है ना, यहां से अगर हम देखें यहां तक तो लिक्विड की डेंसिटी रो टू है, और अगर हम नीचे देखें इसके बाद यहां से यहां तक तो लिक्विड की डेंसिटी रो वन है। दो किस्म के लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी में डिफरेंस है, तो अगर डेंसिटी में डिफरेंस ना होता तो लिक्विड का लेवल दोनों में सेम होता, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ये ऊपर नीचे हो गए, ठीक है यहां तक। अब इसमें थीटा 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 सब के मैंने आपको प्रूव करना है, ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में टैन थीटा या थीटा इसके इक्वल है, प्रूव करो, ठीक, ये क्वेश्चन है। अब रूल नंबर वन, इसको प्रूव करने के लिए लॉजिक वही है, एच ओ जी लेफ्ट साइड पे, एच ओ जी राइट साइड पे विल रिमेन सेम। अब क्योंकि यहां पे एक किस्म का लिक्विड है यहां से लेके यहां तक, और फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, तो एक लाइन खींच लेते हैं। लाइन का मतलब ये होता है कि इस लिक्विड को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेफ्ट और राइट पे हाइट इसकी नीचे से सेम है, तो मतलब नहीं है लेने का, ठीक है। इसके ऊपर की बात करते हैं, तो अगर ये डिस्टेंस आर है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, हाँ ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अगर ये आर है और ये राइट एंगल ट्राइंगल ये बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, ज्योमेट्री से। तो आपने क्या निकाल लिया, वर्टिकल हाइट ये निकाल ली, प्लस इस ट्राइंगल से ये भी निकाल ली, तो टोटल हाइट आ गई राइट की। तो टोटल हाइट राइट की आ गई, टोटल लेफ्ट पे देखें तो इस लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना लिक्विड है, तो ये हाइट निकाल लें, ये वाली लिक्विड की, इस लिक्विड की हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी ये टोटल हाइट, ये वाली, ये वाली, ये वाली का मतलब है आर कॉस थीटा सेम,
में से माइनस करते हैं ये वाली हाइट, ये वाली हाइट पता है क्या होगी, आर साइन थीटा। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आएगा आर कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा। ठीक हो गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो राइट साइड पे आर साइन थीटा मीन्स एच, एच की जगह आर साइन थीटा रो टू इंटू जी प्लस आर कॉस थीटा रो टू इंटू जी। तो राइट साइड का प्रेशर आ गया, लेफ्ट के प्रेशर में हाइट हम निकाल चुके हैं एच रो वन इंटू जी। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करें, सॉल्व करें, मैथ लगाएं, टेन थीटा यहां से प्रूव करें। प्लीज अपने फॉर्मूला बुकलेट में आंसर नोट कर लें, अगर क्वेश्चन या हाईलाइट कर लें बुकलेट में, आंसर देख लें। रो वन ग्रेटर देन रो टू है तो पहली डेंसिटी रो वन की होगी, दूसरी डेंसिटी रो टू की होगी, तो प्लीज मार्क कर लें इसे। सीधा आएगा, दो बार आ लिया ना, तो दो बार कम से कम पता दो कि क्या करना है। समझ में आ रहा है कि इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करनी है, राइट? ये टाइप्स बता रहा हूँ मैं आपको प्रॉब्लम की, क्या टाइप्स हैं, अभी नहीं करना, घर जाके देख लेना, वैसे नहीं आएगा तो समझ लेना थोड़ा ट्रिकी है थोड़ा सा, तो नहीं कर रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो एक देखो, बाकी प्रॉब्लम तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम नहीं है कोई ऐसी, पर लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि आर्गमनी पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो थोड़ा सा इसमें टेढ़ा आया हुआ है, दिखाता हूँ कैसे। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है टेढ़ा, मतलब कि ऐसे तो ठीक है, प्लस टू के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, प्लस वन में कभी यूज नहीं किया मैंने आज तक, मैंने प्लस वन में यूज नहीं किया। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक काम करता हूं यार, तुम्हें ना पहले एक छोटा क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, प्लस टू में भी करते हैं हम इसे, पर आज कर लेते हैं, प्लस टू में रिवाइज हो जाएगा, एक ही बात है। सपोज करो आपके पास, आप कॉपी नोट कर लें प्लीज, एक बार अपने फॉर्मूला बुकलेट नोट कर लें, कैसे काम करना है लिख लेते हैं। मेडिकल में आने का चांस कम है वैसे, वैसे शौक के तौर पर लिखना लिख लो, बैठ फ्री बैठ के भी क्या करोगे, आएगा तो मेंस में, क्योंकि इंटीग्रेशन यूज होती है इसमें थोड़ी सी, पर फिर भी नोट कर लो। सपोज करो आपको क्वेश्चन में ये दे दिया कि आपके पास ना एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है वो कितना है, वो कैपिटल आर है, सॉलिड स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूं डेंसिटी कांस्टेंट है इसकी अगर, और वॉल्यूम आपको पता है 4 बाय 3 पाई आर क्यूब है, तो मास क्या बनेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बात खत्म। वॉल्यूम 4 बाय 3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी इसका मास है, बात खत्म। पर मैं ये कह रहा हूं कि सॉलिड स्फीयर की डेंसिटी चेंज हो रही है कुछ ऐसे ऐसे, मतलब टोटल रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो अगर मैं अभी सिर्फ यहां तक पहुंचा हूं, यहां पे डेंसिटी स्मॉल आर कुछ और है, अगर मैं यहां पहुंच गया स्मॉल आर डिफरेंट है तो डेंसिटी डिफरेंट है, अगर मैं यहां पे आ गया स्मॉल आर डिफरेंट है डेंसिटी डिफरेंट है, यानी कि अंदर डेंसिटी सेम नहीं है। बस आप मुझे सॉलिड स्फीयर का मास निकाल दें, तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड फाइंड मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, बस ये क्वेश्चन है मेरा। अब क्या देखो, डेंसिटी कांस्टेंट तो है नहीं, तो मैं इसको वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से सॉल्व नहीं कर सकता। अब क्या करना पड़ेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम को एक ही तरीका है करने का स्टैंडर्ड, वो क्या, इस टाइप की प्रॉब्लम में आप ये देखें कि सॉलिड स्फीयर किसका बना हुआ है। तो सॉलिड स्फीयर बना हुआ है बहुत सारे स्फेरिकल शेल से, ये शेल है, तो एक शेल कंसिडर कर लो, इस शेल का रेडियस आर है और थिकनेस डी आर है। तो सोचें शेल के अंदर शेल के अंदर शेल के अंदर शेल के अंदर शेल फिट करते जाएं, हॉलो शेल सॉलिड स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, इस सॉलिड इस शेल का स्मॉल मास क्या होगा,
इसका वॉल्यूम जो भी स्मॉल होगा और इनटू यहाँ की डेंसिटी। भाई सॉलिड स्फीयर के सामने तो शेल छोटा ही है ना, तो मास भी छोटा होगा, वॉल्यूम भी छोटा ही होगा इसका। इसका वॉल्यूम होगा क्या? इसका वॉल्यूम होगा एरिया। एरिया क्या है इसका? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि जो शेल है उसका रेडियस मैंने क्या अज्यूम किया, स्मॉल आर। एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी क्या आ गया इसका? मास आ गया। कोई डाउट इसमें? तो मास की वैल्यू क्लियर है यहां पर, स्मॉल मास आ गया इंटू डेंसिटी। अब प्रॉब्लम ये है, डेंसिटी की वैल्यू तो चेंज हो रही है, तो डेंसिटी का जो भी फॉर्मूला एज अ फंक्शन ऑफ आर है कितना? रो नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पुट कर दो। तो डेंसिटी जो शेल है, जो हमने शेल कंसिडर किया उसका रेडियस स्मॉल आर है, तो डेंसिटी वो रही स्मॉल आर की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, मास की वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 पाई डेंसिटी आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी आर। और टोटल मास निकालने के लिए इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टोटल स्फेयर का रेडियस कैपिटल आर है। फिर मैथ के लोग अपने नॉन मेडिकल करके इंटीग्रेशन सीखेंगे, हमने भी की हुई है वैसे तो इतनी, इसको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। तो टोटल मास ऐसे आएगा सॉलिड स्फेयर का, मेडिकल में नहीं आएगा, रिलैक्स करें एक बार प्लीज, कुछ नहीं है, नॉन मेडिकल में आया हुआ है, तो मतलब ये भी नहीं कहता आएगा नहीं, तो अभी करवाना है क्वेश्चन, अब तो शुरू हुआ है क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सॉलिड स्फेयर में जब डेंसिटी चेंज हो तो मास पहले इंटीग्रेशन से ही निकाला जाता है, ये रूल है। ठीक है, आप कहेंगे कि डर लगता है ऐसे क्वेश्चन से, देखो डर तो मुझे भी लगता है, प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन को मैं कम से कम 4-5 बार कर चुका हूँ, और कोई क्वेश्चन डालते ही नहीं है, सॉलिड से एक ही क्वेश्चन डालते हैं डेंसिटी वाला। तो मुझे याद पड़ा है कि शेल ले रहे हैं, शेल से वो कर दे, आंसर आ गया। बहुत वैरायटी नहीं है, इक्का दुक्का ही है बस, इक्का दुक्का उसी में बस काम चल जाता है। तो इसलिए ये ना सोचें कि नया आ गया तो क्या करेंगे, नहीं आएगा, सॉलिड आएगा तो ऐसे ही आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाला जाता है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो सॉलिड का तो आता है, सॉलिड स्फीयर का तो आता है, तो मैंने करा दिया, प्लस टू में भी आएगा उसमें भी कराऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन तो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि टोटल मास तो हो गया, तो टोटल मास कैसे निकलेगा? बाय इंटीग्रेशन निकलेगा। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेट करके आंसर आएगा, मैं निकाल नहीं रहा बस तरीका बता रहा हूं मैं। अब क्वेश्चन ये है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, मिनिमम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच इट विल फ्लोट। कम से कम डेंसिटी क्या रखूंगा, बस ये तैर ले भाई, तैर ले ना। तैरने का मतलब क्या है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में जो एम है ना, वो कहां से आएगा? बाय इंटीग्रेशन, जो वो इतना बड़ा ऐसे लिखा ना, वो यहां पुट करना है। ठीक है, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कोई फर्क ना पड़ता कि आपने अंदर खाली बॉल रखी है या भरी हुई रखी है, वॉल्यूम तो उसका क्या रहेगा? 4/3 पाई कैपिटल, जब पानी में जाएगा तो इतना ही रहेगा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू एम जी। तो वो बड़ा वाला एम यहां पुट करके डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैन बी कैलकुलेटेड, ये आंसर है। मतलब इसमें आर्किमिडीज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मास निकालने में, ये मेंस वालों ने क्वेश्चन दिया, पर ये एक्सेप्शनल है। मतलब आप अगर ये कहो कि मुश्किल क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, बाकी सब आसान क्वेश्चन है, कुछ भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सबसे मुश्किल है। इलास्टिसिटी आपने देखा फॉर्मुला बेस्ड है, विस्कोसिटी टोटल फॉर्मुला बेस्ड है, टर्मिनल वेलोसिटी में 4 क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड आए हुए हैं, सरफेस टेंशन तो पूरी किताब में से, पता नहीं शायद मेरी बुकलेट ही हाथ लग गई हो, मैं तो वही क्वेश्चन डाल दिया उठा के, सरफेस टेंशन के तो वही के वही आए हुए हैं। बर्नौलीज में एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा एफर्ट जो लगता है वो सब प्रेशर में लगता है। अगर कल को प्रेशर ज्यादा आ गया तो भाई तैयारी करके जाना, ये मत सोचना कि 2 साल से नहीं आया तो अब नहीं आएगा, ये नहीं सोच सकते, तैयारी पूरी होनी चाहिए, वो दे ना दे उसकी मर्जी है। पर मैं आपको पुराने 2 साल का ट्रेंड बता रहा हूँ, उससे पहले तो प्रेशर आता ही होगा ना, तो पॉइंट समझ में आ रहा है ठीक, इतना ही आया है बस प्रेशर में, ज्यादा आया ही नहीं, इतनी लंबी कहानी के बाद यही निकला बीच में।